वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। मैं फिल्म अमर अंसारी, आप सभी लोगों का टाइगर श्रॉफ की फिल्म गणपत चैप्टर 1 के डे नंबर 4 के डिजास्ट्रस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। क्या हो रहा है मेरा भाई, व्हाट अ मोमेंट ऑफ शेम, जहां पर लियो के यहां पर जब ऑफिशियल कलेक्शंस आए तो वो गणपत के ऑफिशियल कलेक्शन से ज्यादा थे। इट इज एन एब्सोल्यूट डिजास्ट्रस वीकेंड फॉर हिंदी फिल्म्स, चाहे वो यारियां हो। यारियां ने तो जस्ट 1.5 करोड़ रुपया जो है वो 3 दिनों में कमाया है। बाकी के सारी की सारी फिल्में, चाहे वो टाइगर नागेश्वर राव का हिंदी वर्जन हो वॉश आउट, गोस्ट का हिंदी वर्जन वॉश आउट, सारी की सारी फिल्में इनका हिंदी वर्जन वॉश आउट हुआ है बॉक्स ऑफिस पर। हालत कुछ इस तरह से है कि आज से थिएटर ओनर्स जो है वो आपको थर्सडे तक टिकट के प्राइसेस जो है 110 से 112 रुपीज में देने वाले हैं। यू नो पार्टिसिपेटिंग मल्टीप्लेक्सेस जो है, जैसे कि पीवीआर, आईनॉक्स एंड सिनेपोलिस, इन सिग्निया भी आपको 250 रुपए में देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि पब्लिक जो है फिल्म देखने के लिए नहीं जा रही है। एकमात्र फिल्म जिसने अच्छा बिजनेस किया है वो है नन अदर तलपति विजय की फिल्म लियो। उसने क्या बिजनेस किया है क्या नहीं किया वो आप लियो के एपिसोड जब आएगा उसमें आगे देखना। लेकिन गणपत इज अ मॉन्यूमेंटल डिजास्टर। ट्रेड ने इसको वन ऑफ द बिगेस्ट डिजास्टर्स पोस्ट पैंडमिक कहा है। आपको सबसे बड़ा सबूत दूंगा मैं शो काउंट द्वारा। दिल्ली एनसीआर 876 से 604 शोज। ये इस तरह की फिल्में सिर्फ और सिर्फ मनी मिंटिंग बिजनेस होता है। यहाँ पर प्रोड्यूसर क्या उसका मकसद है, उसका उद्देश्य क्या है, वो क्यों फिल्म बनाना चाहता है, ये जनता के तो खोपड़ी के ऊपर जाता है। यानी सारी की सारी फिल्में इनका एंड मोमेंट एंड रिजल्ट क्या है कि जनता के सर के ऊपर है। 4% की ऑक्यूपेंसी है यहाँ पर गाइज। दिल्ली एनसीआर में 876 से 604 शोज, 7%। मुंबई 662 से 456 शोज, जस्ट 4%। पुणे 224 से 133। मॉन्यूमेंटल डिजास्टर, नई कैटेगरी लॉन्च हुई है इसका नाम है मॉन्यूमेंटल डिजास्टर। 4% ऑक्यूपेंसी। बेंगलुरु 205 शोज से 151 शोज है, 53% ऑक्यूपेंसी, गुड। हैदराबाद 113 शोज से 100 शोज, 51% ऑक्यूपेंसी। लुक एट कोलकाता, 100 से 86 शोज हुए, 19%। जयपुर डिजास्टर, 133 से 94 हुआ, 3%। बात करो भोपाल की, 72 से 56 शोज हुआ, 56%। लखनऊ 186 से 121, 5%। अहमदाबाद 366 से 296, 2%। चेन्नई 31 से 25, चेन्नई में जस्ट 20। एंड सूरत 187 से 127 शोज हुआ, 3%। गणपत इज अ मॉन्यूमेंटल डिजास्टर। सीरियसली बोल रहा हूँ, आपने डिजास्टर्स देखे होंगे, अल्ट्रा डिजास्टर देखा होगा। डे नंबर 1 2.25 करोड़, डे नंबर 2 2 करोड़, एंड डे नंबर 3 सिर्फ 2.15 करोड़। गणपत ने 3 दिनों में 6.40 कलेक्शन किया है, जो कि हीरोपंती 2 का ओपनिंग डे था। लियो जो है अगर अपने फिगर्स से जाए तो 4 दिनों में 11.35 करोड़ कमाए हिंदी वर्जन, 3 दिनों में 8.35, क्योंकि लियो एक दिन पहले आई थी। ट्रेड के फिगर से मैं जाऊं तो लियो का हिंदी वर्जन 10 करोड़ है 4 दिन में, एंड 3 दिन में भी 7 करोड़। यानी कि ट्रेड फिगर में भी लियो गणपत को पीछे पेल कर निकल गया है। तो वर्स्ट आफ्टर द पैंडमिक, एंड ट्रेड कह रहा है कि एक हफ्ते में 10 करोड़ भी नहीं मारेगा, शायद इसका लाइफ टाइम 15 करोड़ भी नहीं होगा। तो सेल्फी को इस बार निराश होने की जरूरत नहीं है, सेल्फी से बड़ी डिजास्टर आई है जिसका नाम है गणपत। यहाँ पर 6.40 करोड़ का यहाँ पर ग्रॉस होता है, 7.5 ओवरसीज। बहुत लोगों की उत्सुकता थी, तो भैया ओवरसीज बताइए, ओवरसीज बताइए। 1.6 करोड़ ओवरसीज बिजनेस है, एंड वर्ल्ड वाइड अ शेमफुल 8.10 करोड़ आया है। एंड कल भी इन लोग जाकर पिक्चर को प्रमोट कर रहे हैं, टाइगर श्रॉफ और कृति सैनन। एंड एयरपोर्ट से निकल रहे तो कोई फोटोग्राफर बोलता है कॉन्ग्रेचुलेशन। किसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन, डिजास्टर देने के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन? ये फोटोग्राफर, ये मीडिया वाले, ये जितने लोग हैं, ये इनको सर पे चढ़ा कर रखते हैं। आप लोगों ने ये सुना होगा कि कलेक्शन देने के लिए समोसे मिलते हैं, इन कलेक्शन नहीं देने के लिए समोसे मिलते हैं। आपको पता है क्या, कोई भी व्यक्ति विशेष सिर्फ बॉक्स ऑफिस इंडिया को छोड़कर गणपत के बारे में बात भी कर रहा है? ये कैसा हुआ पता है, एकदम अंडर द टेबल खिसका दिया गया, यानी कि किसी को ना पता चले ना कुछ चले। क्यों? ये एग्जीबिटर का जो नुकसान हुआ है यहाँ पर, ये थिएटर ओनर, कुछ लोग बोलते हैं आई एम मेकिंग द फिल्म ओनली बिकॉज आई एम इमोशनली अटैच्ड। रिलीज ऑन ओटीटी मैन इफ यू आर इमोशनली अटैच्ड। हाँ, एग्जीबिटर इन्वॉल्व होता है पिक्चर में,
डिस्ट्रीब्यूटर इन्वॉल्व होता है पिक्चर में, एक पूरा चेन इफेक्ट होता है आपकी पिक्चर की वजह से। गणपत की वजह से कितने लोगों के शो शुरू नहीं हुए। हाँ, ये पिछले 3 दिनों का जो नुकसान हुआ, बिजली का बिल, ये कोई पॉपकॉर्न नहीं खाया, समोसा सड़ गया, हाँ, इसका पैसा कौन देने वाला है यहाँ पर सब। ये जो पूरा एक चेन रहती है, अरे सोचो ना भाई, कितनी बड़ी रिलीज थी एंड हफ्ते का 6.5 करोड़ आया है, कितने शो रद्दी में गए होंगे, कैंसिल हो गए होंगे, क्या करना है इसको? कुछ नहीं बोलना है। 100 रुपए टिकट कर दिए बेचारे प्रोड्यूसर लोग ने। मैं तो बोलता हूँ 2 पे 2 फ्री दो, तभी भी लोग गणपत देखने शायद नहीं जाएंगे यहाँ पर। इतना खराब हाल है इस पिक्चर का। आज की ऑक्यूपेंसी 8, 9, 10 मस्ती चल रही है, कॉमेडी 8, 9, 10। माई प्रेडिक्शन टूडे इज 1.5 करोड़ रुपीज। अगर ऐसा हुआ तो 4 दिन में फिल्म 7.90 होगा। मुझे लगता है गणपत का लाइफ टाइम 15 करोड़ में समाप्त हो जाएगा, चाहे उससे भी नीचे। ह्यूज बोलते ना, टाइगर श्रॉफ ने जिंदगी में ऑल टाइम 80 डीबी दे दिया है, ऑल टाइम डिजास्टर।